Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and you are watching now a future builder guide. As you know that in our previous videos we are talking about the marketing and the all the topics of marketing including 4 P's, STP and the like BCG matrix and all other things. So in our today's session we are learning about branding and brand management. So सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि what is ब्रांड, ठीक है. हम देखते हैं कि ब्रांडिंग होती क्या है. बेसिकली ब्रांडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फ्यूचर बिल्ड एकेडमी. को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें. बात शेयर करना चाहते हैं. ब्रांडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी एंड परसेप्शन फॉर अ प्रोडक्ट सर्विस और कंपनी इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर. बेसिकली ब्रांडिंग क्या, ब्रांडिंग जो है वो इस तरह की कोई यूनिक आइडेंटिटी है, एक ऐसी परसेप्शन है जो कि प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में हो सकती है जो कि होती है कंज्यूमर के माइंड में. कंपनी की रेपुटेशन भी हम कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है. इट इन्वॉल्व्स क्राफ्टिंग अ कंसिस्टेंट इमेज मैसेज एंड एक्सपीरियंस दैट डिस्टिंग्विश अ ब्रांड फ्रॉम इट्स कंपेटिटर्स एंड रेजोनेट्स विद इट्स टारगेट्स ऑडियंस. बेसिकली क्या होता है कि इफेक्टिव ब्रांडिंग जो है वो हेल्प करती है आपका ट्रस्ट बिल्ड करने में, आपकी लॉयलिटी में, इमोशनल कनेक्शन जो है आपका कस्टमर के साथ बिल्ड करने में, और अल्टीमेट क्या करती है कि आपको ड्राइविंग जो प्रेफरेंसेस हैं, जो परचेजिंग डिसीजंस हैं कस्टमर्स की तरफ से, वो आपके हक में हो जाते हैं. इसको हम लोग एक एग्जांपल से अगर समझें तो, क्योंकि एग्जांपल से मैं एग्जांपल आपको इस वजह से देती हूँ कि एग्जांपल से समझना आसान होता है, ठीक है, आपके लिए भी और मेरे लिए समझाना भी. सो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैकडोनल्ड कि अगर आप जाते हैं मैकडोनल्ड्स पे तो मैकडोनल्ड्स का ना एक साइन है जिसको हम कहते हैं एम, ठीक है, या केएफसी है तो केएफसी पे एक जो पिक्चर बनी हुई है स्पेशल, जो उनका लोगो है, उनका स्लोगन है, आप उस पिक्चर को देखते हैं और लाइक कोई आप अक्सर जो है वो बच्चे उस चीज को रिमाइंड कर लेते हैं कि वो बाबा जी की पिक्चर है, ठीक है, एंड देन वी गो हियर एंड ईट अ व्हाइल. सो ये जो ब्रांडिंग है बेसिकली वो किसी चीज का है. अब क्या है कि उनका एक स्लोगन, उनका एक लोगो है, आप लाइक बाकी और किसी चीज की बात नहीं करें. अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो इवन हमारे जो छोटे से छोटा बच्चा भी है, अगर आप उनको व्हाट्सएप ओपन वो करता है या आप उसके सामने व्हाट्सएप ओपन करें और आप उसे पूछें कि ये क्या है, तो देन उसको पता होगा कि ये व्हाट्सएप है. ये व्हाट्सएप क्यों, क्योंकि व्हाट्सएप का लोगो, बेसिकली जो लोगो होता है ना किसी भी चीज का, किसी भी ब्रांड का, किसी भी लाइक इस तरह से, वो यूनिक अगर हो ना तो वो लोगों की इमेज जो है ना माइंड में एक इमेज बना देता है, वो उनके दिमाग में एक यूनिक आईडी के हिसाब से जो है ना वो सेव हो जाता है. लाइक इस तरह समझें कि अगर हम अपनी बात करें कि हम जब हमारा जो आईडी कार्ड होता है उसका नंबर आप देखें तो हर एक का नंबर डिफरेंट है, ठीक है, और हर एक आईडी के हिसाब से जो है हर एक की लाइक आइडेंटिटी इलामत डिफरेंट है, हर चीज नाम. अब क्या होता है, नाम सेम हो सकता है, ठीक है, आपके फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकती, आपका आईडी कार्ड नंबर सेम नहीं हो सकता, हर एक से डिफरेंट होता है. ये क्या चीज है, आपको क्या होता है, वो एक स्पेशल आईडी होती है, स्पेशल आपकी आइडेंटिटी होती है. इसी तरह से अगर हम बात करें ना ब्रांडिंग की, तो ब्रांडिंग लाइक इसी तरह से बस चीजें प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, उनकी पैकेजिंग से पता चल रहा होता है कि किस ब्रांड की प्रोडक्ट है. बस चीजें जो होती हैं उनकी बेसिकली नाम से पता चल रहा होता है कि ये कौन सा ब्रांड है. बस चीजें होती हैं उनका सैंपल इस तरह का होता है कि आपको अंदाजा हो रहा होता है कि किस ब्रांड की, किस कंपनी की प्रोडक्ट है. इसी तरह से लाइक अब अगर आप देखें ना ट्विटर जो है वो ट्विटर काफी टाइम से जब रन कर रहा था तो ट्विटर का एक साइन था जिसे हम कहते थे कि ये लाइक ट्विटर इज लाइक अ स्पैरो, ओके, या ट्विटर इज लाइक अ डव, इस तरह के एक साइन बना हुआ था जिसे हम बर्ड साइन बोलते थे, ठीक है. वो बर्ड साइन हमें देख के पता चल जाता था ये ट्विटर है, ठीक है. और अब क्या हुआ, हाल ही में ट्विटर ने अपना जो साइन चेंज कर लिया, वो साइन जो वर्ड साइन था उसकी जगह एक अल्फाबेट एक्स जो है उसका साइन आ गया. अब बाज जो लोग हैं जो तो अपडेटेड रहते हैं उनको पता चल गया कि ये, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको जब ट्विटर ने अपना साइन चेंज किया देन शी और ही वाज शॉक्ड कि ये क्या हुआ, हमारा ट्विटर अकाउंट था इस तरह से. अब वो ये जो चीज है ये क्या
क्या हुआ कि उनकी क्योंकि ब्रांड की बेसिक जो थी एक यूनिक आईडी लोगों के माइंड में थी, अब वो जब आईडी चेंज हुई तो लोगों के दिमाग से जो है वो जाहिर है एक टाइम दिया था उस आईडी ने, जो वो आपको मैंने बताया वो बर्ड जो एक आइकन था, तो उसने एक टाइम पीरियड लिया था लोगों के माइंड में सेट होने के। अब और जैसे ही टाइम पीरियड चेंज हुआ और उसका साइन चेंज हो गया, अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि आज आप साइन चेंज करें और कल आप समझें कि आपके तमाम यूजर्स जो हैं, आपके एंड यूजर्स हैं, आपके फ्रंट यूजर्स हैं, आपके मिडल में, वो सब जो है वो साइन से या आपकी जो स्पेशल आईडी है उसको समझ लें या उसको याद रख लें या उनके माइंड में रह जाए, इसको एक जाहिर टाइम पीरियड लगता है। इतना टाइम लगा था जिससे उन्होंने एक बर्ड का आइकन समझा और उसको लाइक सोचना शुरू किया और वो याद रह गया। अब इसी तरह से एक टाइम लगेगा जिस ट्विटर का जो एक्स है वो बेसिकली लोग उससे वाकिफ होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह व्हाट्सएप का है, फेसबुक का जो लोगो है वो बहुत देर से चेंज नहीं हुआ। फेसबुक का लोगो एक ऐसा यूनिक लोगो है जो आपका कम अगर कहें आपके इलिटरेट पर्सन भी है तो वो भी फेसबुक का लोगो देख के बता सकता है कि इट इज अ फेसबुक। क्यों? क्योंकि हमारी जाहिर एक डेली रूटीन में सोशल मीडिया ऐप है जो हम यूज कर रहे होते हैं, और एक ये उसका बहुत पुराना जो है उसका लोगो है, उसकी आईडी है, वो तब तक जाहिर है चेंज जब तक वो नहीं करते हैं तब तक वो लोगों के माइंड में बेसिकली सेट रहेगी कि क्या चीज है। ठीक है, अब यही बात जैसे हमने की आपको कि इमोशनल कनेक्शन जो है ना कस्टमर के साथ वो भी बिल्ड हो जाता है। अब इसकी भी मुख्तलिफ लाइक हैं कि आप इमोशनली अटैच होते हैं बाज प्रोडक्ट के साथ, बाज पे आपका जो है ट्रस्ट बन जाता है, बाज पे जो है आप किसी के साथ जो है वो लॉयल होते हैं, वो इसी वजह से होता है कि आप जो है लॉयल हो जाते हैं अपनी ब्रांड के साथ और आपको पता होता है कि आप यूज कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट और आपका ट्रस्ट जो है वो उस पर बिल्ड अप हो जाता है। इसी तरह से आप बहुत से प्रोडक्ट्स हैं लाइक आप डेली यूजेज में देख रहे हैं बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें हम डेली यूजेज में यूज करते हैं, उन पर हमारा अच्छे से वो ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप हो गया है। अब अगर कोई हमें कहे कि आप उसका नेम और बदल है आप उसका सब्स्टिट्यूट ले लें, तो वो हम सब्स्टिट्यूट पे तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम उसको टेस्ट करके नहीं देखेंगे। और अमूमन लोगों का रवैया ये है कि लोग जिस चीज़ पे एक दफ़ा ट्रस्ट करते हैं उस चीज़ से दूसरी चीज़ पे शिफ्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जाहिर एक प्रोडक्ट काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं, आपको उसके बेनिफिट्स का पता है, आपको उसके उसका प्राइस रीजनेबल है फॉर एग्जाम्पल, आपको उसकी जो है क्वालिटीज़ का पता है, आपको पता है कि आपको कुछ भी हो ये प्रोडक्ट आपकी जो है वो आपको हार्म नहीं दे सकती। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं और उसकी वजह से आप जो है ना सब्स्टिट्यूट की तरफ जल्दी जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते। आपके डेली यूजेज में बहुत से ब्रांड्स इस तरह के हैं, आप अपना टूथपेस्ट देख लें, शैम्पू देख लें, आपका सॉप है वो देख लें, और इवन आप बहुत सी परफ्यूम्स हैं, वॉच हैं, बहुत से प्रोडक्ट आप डेली में यूज़ करते हैं, उन सब का क्या होता है? आप अगर फॉर एग्जाम्पल एक जो प्रोडक्ट पहले से यूज़ कर रहे हैं आपको अगर कोई कहा जाए कि आप प्रोडक्ट को चेंज कर लें या प्रोडक्ट को रिप्लेस कर लें, कि लाइक हम कहते हैं ये मिथ है कि एक टाइम पीरियड तक जो है वो एक प्रोडक्ट आप पे असर कर रही होती है, उसके बाद वो जो है आप उनको यूज टू हो जाते हैं आप उस चीज़ के और वो असर करना छोड़ देती है। तो इसी तरह हम अमूमन यहाँ पे रवैया है कि अगर आप एक ब्रश यूज़ कर रहे हैं, टूथ ब्रश है, टूथ ब्रश है, तो उसको भी आप जो है वो साल हर साल चेंज नहीं कर रहे होते कि वो आपका चल रहा है, जबकि वो एक 3 से 4 माह के बाद जो है वो उसका एक जाहिर है वो नहीं रहता, लेकिन आप फिर भी उसे मुसलसल यूज़ कर रहे हो क्योंकि आप उसके आदी हो चुके होते हैं, आपका उन पर ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होता है। ठीक है, आप इमोशनली अपनी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, आप उनको इमोशनली ही चेंज नहीं करना चाहते, आप एक आप कह लेंगे आप जज्बाती तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं उनके साथ, वो एक अलग ही कनेक्शन जो है कस्टमर का बिल्ड हो जाता है चीज़ों के साथ। लेकिन ये जो आपकी ब्रांडिंग है ना बेसिकली ये आपके जो कंपनी है उनके हक में बहुत बेहतर होती है। अगर लोग उनकी प्रोडक्ट को जानते हैं, लोग उनकी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, लोग उनकी प्रोडक्ट को लाइक एक आईडी के नाम से जानते हैं, उनके एक अलग स्लोगन के नाम से जानते हैं, तो इस चीज़ से बड़ा बेनिफिट जो है वो कंपनी को मिलता है, लोग जाके प्रोडक्ट की डिमांड ही वही करते हैं जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांड। अच्छा जी, टाइप ब्रांड की बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट तरीके हैं जिनसे ब्रांडिंग हो सकती है,
और अब तो लाइक सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो डिजिटल मार्केटिंग का है सारा टेन्योर, तो उस पे ही मार्केटिंग आपकी हो रही है एंड ऑल, और आपकी सारी चीज़ें उसी पे चल रही होती हैं, तो लोग डिफरेंट जो है वो ग्राफिक्स पे कर रहे हैं काम और इस तरह की चीज़ें एंड ऑल कर रहे हैं ताकि अपनी मार्केटिंग को बेहतर बनाया जा सके। हम ब्रांड्स की टाइप्स देखते हैं, प्रोडक्ट ब्रांड, ब्रांड्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन सच एज नाइकी शूज और एप्पल आईफोन। अब प्रोडक्ट के ब्रांड जो है बेसिकली एसोसिएट करता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट लाइन के साथ। लाइक एप्पल जो है, अब एप्पल सिर्फ एक आईफोन तो नहीं बना रहा, एप्पल की बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल वॉच है, एप्पल के एयरबड्स हैं, एप्पल के लाइक मैकबुक है, एप्पल के लैपटॉप्स हैं, एप्पल के कंप्यूटर्स हैं, एप्पल की और बहुत सी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप एप्पल की प्रोडक्ट लाइन देखें तो एप्पल की प्रोडक्ट लाइन बहुत बड़ी है, लेकिन क्या है कि लोग उनको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं कि जी एप्पल का आईफोन। आप कहीं पे भी देखेंगे ना, आप किसी के सामने एप्पल कहेंगे, एप्पल का नाम लेंगे, एप्पल कंपनी का, तो उनके माइंड में सबसे पहले जो चीज़ आएगी ना वो आईफोन होगा, कि एप्पल का आईफोन, एप्पल आईफोन प्रो मैक्स, आईफोन अल्ट्रा मैक्स, 15, 13, वो आगे से जो है ना वो स्पेसिफिक होता जाएगा। तो ये क्या होता है कि लोग आपकी बेसिकली एक प्रोडक्ट के नाम से आप फेमस हो जाते हैं और लोग आपको उस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। वो प्रोडक्ट हो सकता है, ये मैं नहीं कह रही कि आपकी प्रोडक्ट्स बाकी सेल नहीं होती, बाकी भी सेल आउट होती है, लेकिन लोग आपको स्पेसिफिक जो एक माइंड में इमेज है ना लोगों का, वो आपकी किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वजह से बन जाता है। ठीक है, अगर उसके बाद हम देखें जी सर्विस ब्रांड्स। अब सर्विस ब्रांड्स जो है, ब्रांड्स एसोसिएटेड विद सर्विसेज रादर देन टेंजिबल प्रोडक्ट्स सच एज फेडेक्स फॉर शिपिंग और मैरियट फॉर हॉस्पिटैलिटी। अब ये लाइक इसी तरह है जिस तरह दराज, ब्रांड जो है एसोसिएट करते हैं अपनी सर्विसेज से लेके, ठीक है, उसके बाद टेंजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके पास टेंजिबल प्रोडक्ट्स भी होती हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर उनको उनकी सर्विसेज के नाम से जान रहे होते हैं और एंड ऑल आप उसके उसी से जो है वो लोगों के माइंड में आपके लिए एक इमेज और परसेप्शन बन जाती है कि ये फ्लाम ब्रांड जो है वो हाँ ये कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपके इर्द गिर्द बहुत सी एग्जांपल्स हैं मार्केटिंग की, और अगर आप सर्विस ब्रांड्स की देखें ये इसी तरह से है कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक बुक स्टोर वाला है, ठीक है, वो अपनी बुक्स भी पब्लिश कर रहा है और वो बुक सेल भी कर रहा है, ठीक है, आप उसको किस चीज से जानते हैं, आप उसको उसकी सर्विस से जानेंगे, आप उसको उसकी सेलिंग से जानेंगे, ना कि आप उसको जो है उसकी बेसिक उससे जाने के वो अपनी बुक पब्लिश करता है, वो अपने नॉवल पब्लिश कर रहा है, वो इस तरह की एंड ऑल, आप उसकी टेंजिबल से ज्यादा आप उसकी उस सर्विस से जान रहे होते हैं, आप उसको कि वो बुक जो है वो बेसिकली आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सेलिंग। जी सर्विस ब्रांड्स के बाद अगर हम बात करें दैट इज अ कॉर्पोरेट ब्रांड। अब बेसिकली सर्विस ब्रांड की हमने बात की कि सर्विस ब्रांड क्या होता है, आप किसी भी लाइक किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी सर्विसेज के नाम से जानते हैं एज़ कम्पेयर टू कि उसकी प्रोडक्ट्स भी हों और आप उसको प्रोडक्ट के नाम से जान रहे हो। ठीक है, लाइक अगर आगे देखें हम कॉर्पोरेट ब्रांड्स, कॉर्पोरेट ब्रांड्स ब्रांड्स एसोसिएटेड विद द ओवरऑल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन सच एज गूगल और कोका कोला। अब इनके लिए अब किस तरह से आपको पता चलेगा, अब कॉर्पोरेट ब्रांड जो है गूगल जो है उसको, गूगल ओवरऑल एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लेकिन आप उसके ब्रांड से एसोसिएट किस तरह से हैं, आप उसी के नाम से एसोसिएट हैं, आप गूगल को गूगल के नाम से ही जानते हैं, आप गूगल को गूगल की किसी प्रोडक्ट के नाम से नहीं जानते, आप कोको कोला को कोको कोला की किसी प्रोडक्ट के नाम से नहीं जानते, आप कोको कोला को एज एन ब्रांड नेम जो है आप उसको जान रहे होते हैं, आपका जो आपके माइंड में एक इमेज बना हुआ है वो किससे है, वो आपका कॉर्पोरेट ब्रांड जो है लाइक गूगल और कोको कोला आपका उन्हीं के नाम से है, आप उनकी किसी स्पेसिफिक सर्विसेज या किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए उनका को अपने माइंड में नहीं रखते, उनका इमेज आपके माइंड में उनकी प्रोडक्ट से नहीं बनता, आपके माइंड में उनका इमेज जो है वो किससे बनता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक गूगल सबसे बड़ी एग्जांपल है। इसके साथ इसी तरह से यूट्यूब है, आपकी विकिपीडिया है, उसके अलावा आपकी बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं और बहुत सी ऐसी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक जैसे कोको कोला है, स्प्राइट है, वो सॉरी कोको कोला है, नेस्ले है, ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप उनकी लाइक ब्रांड नेम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी पर्सनल ब्रांड्स।
Brands associated with individuals, typically professionals or influencers, who market themselves and their expertise, such as Oprah Winfrey की है और Elon Musk. अब ये जो है इसके अलावा भी आप अगर देख सकते हैं तो like जिस तरह से अगर इमरान खान की बात करें, आपको पता है कि इमरान खान जो है उसका शौकत खान मेमोरियल जो हॉस्पिटल है वो बेसिकली इमरान खान उसके चेयरमैन हैं, वो इमरान खान ने स्टार्ट करवाया वो सारा कुछ एंड ऑल. अब उसके सीईओ जो हैं वो इमरान खान नहीं है, लेकिन आप उसको किससे जानते हैं, आप उसको इंडिविजुअल यानी कि इमरान खान से ही लिंक करते हैं, आप उसको इमरान खान के नाम से जानते हैं, आप उसको इमरान खान के साथ लिंक करके जानते हैं कि शौकत खानम जो है ये शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल है ये बेसिकली इमरान खान का ही है, ठीक है. और उसके अलावा अगर हम देखें बहुत सी इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं, लाइक जैसे एलन मस्क की एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने, या इसके अलावा आपके जो लाइक हायर लेवल पे ब्रांड्स हैं आप उनको किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के नाम से जान सकते हैं. इसमें वो कोई नहीं है कि आप एक मे बी काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि उसकी एडवर्टाइजिंग जो है वो एक स्पेशल पर्सन कर रहा होता है और आप उस प्रोडक्ट या ब्रांड को स्पेशल पर्सन से ही जान रहे होते हैं. लाइक जिस तरह से वसीम अकरम जो है वो प्राइड और इसकी कमर्शियल करते हैं या इस पर काम कर रहे हैं, तो आप उनको जो है वो जब भी वसीम अकरम देखते हैं या जब आप भी उनके ब्रांड का नाम देखते हैं आपको वसीम अकरम जो है उनकी पर्सनल जो पर्सनैलिटी है वो याद आती है कि वो जो है इस पर काम करते रहे हैं या उन्होंने एनऑल इस पर कमर्शियल्स वगैरह की हैं. इसी तरह से बहुत से इस तरह के लाइक जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी इमरान खान की, डेट इज़ अ वेरी पावरफुल एग्जाम्पल इन दिस केस कि आप उस पर्सन को उस ब्रांड को उस पर्सन के नाम से जान रहे हैं, वो इंडिविजुअल के नाम से जान रहे हैं. उसके बाद आप देखते हैं जी रिटेलर ब्रांड्स, ब्रांड्स ऑन्ड एंड मार्केटेड बाय रिटेलर आल्सो नोन एज प्राइवेट लेबल और स्टोर ब्रांड्स सच एज क्रिकलैंड सिग्नेचर एट कॉस्टो एंड ग्रेट वैल्यू एट वॉलमार्ट. अब ये रिटेलर ब्रांड जो हैं इनमें अगर हम ये ओवरऑल बात की गई है जिसमें वॉलमार्ट है या कॉस्टको है, अगर आप बात करें अपनी पाकिस्तान की तो यहाँ पे लाइक कारफोर है, इम्तियाज़ है, चेज़प है, उसके अलावा एक दो और भी हैं, अलफते है, मतलब इस तरह के सुपर स्टोर्स जो हैं रिटेलर ब्रांड जो हैं वो बेसिकली ब्रांड ऑन कर रहे हैं मार्केट में और आप उनको उनके नाम से ही जानते हैं, ठीक है. अब वो अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप देखें ना तो इसका और जो आपका ये था सर्विस ब्रांड, ये दोनों लिंक करते हैं किसी ना किसी तरीके से. अब जो चेज़प है उनकी अपनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी अपनी भी जो है लाइक हैंड वॉशिज़ हैं, फेस वॉशिज़ हैं, शैम्पूज़ हैं और बहुत सी इस तरह की आइटम्स हैं, चप्पलें भी कुछ इस तरह की हैं, उसके अलावा कपड़े हैं कुछ इस तरह के हैं जो आपके रिटेलर ब्रांड्स जो है ना वो बेसिकली वही आपको लॉन्च कर रहे होते हैं. तो अब उसमें क्या होता है कि आप वो लॉन्च कर रहे हैं तो आप उनकी दूसरी प्रोडक्ट्स भी हैं लेकिन आप उनको उनकी सर्विसेज के नाम से ही जानते हैं कि चेज़प, इम्तियाज़ या इस तरह वॉलमार्ट है या कारफोर है, अमेज़ोन है, दराज है, इस तरह के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, बहुत से ब्रांड्स हैं जिनको आप उनके उससे जानते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रांड मैनेजमेंट बेसिकली क्या होती है. ब्रांड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द स्ट्रेटजिक प्लानिंग. अब एक बात यहाँ पे याद रखें, कोई भी चीज़ है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप इवन कि अपना डेली रूटीन का भी काम करें ना, तो जब तक आप कोई उसके लिए प्लानिंग नहीं कर लेते आप वो काम सक्सेसफुल एज सच वैसे नहीं हो सकता. मैं ये नहीं कहती कि वो काम सक्सेसफुल ही नहीं हो सकता, लेकिन एक काम जो है वो विदाउट अगर आप प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें हर्डल्स आती हैं और वो आपने प्लान नहीं की हुई होती, ठीक है, तो उसके लिए आपको मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है कि आप हर्डल्स आ रही हैं, आप देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या मैंने शुरू कर लिया और इस तरह से एंड ऑल, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि आपने प्लान नहीं किया होता. जो इंसान प्लानिंग के साथ काम कर रहा होता है, जो इंसान प्लान करके हर चीज़ को चल रहा होता है, उन हर्डल्स के लिए उसने कोई ना कोई सोल्यूशन रखा हुआ होता है या उसने पहले ही उन हर्डल्स को फोरकास्ट किया हुआ होता है कि हाँ मैं अगर ये काम शुरू करूँ तो इसमें ये मुश्किल आ सकती हैं एंड ऑल, वो अब उनसे पहले ही एक दफ़ा कह लें कि मिल चुका है उन मुश्किलात से, उन हर्डल्स को एक दफ़ा वो करीब से देख चुका है कि हाँ ये चीज़ें जो हैं, या मे बी वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा होगी ये चीज़ें मुश्किलात आएंगी तो वो सीखता है,
ठीक है। और ये स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है इसमें इसका बेसिक फैक्टर बहुत मेन रोल प्ले करता है आपके किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी ब्रांड की इनोवेशन के लिए, किसी भी ब्रांड की ओपनिंग के लिए, किसी भी लाइक प्रोडक्ट की लॉन्चमेंट के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए जो आपकी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है इट इज़ अ वेरी क्रूशियल। ठीक है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी इस काम के रिलेटेड। और जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन, अब बेसिकली आप अगर यहाँ पे देखें ना तो आप चेक करेंगे कि आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम अगर अभी बात करें आपका सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर आप स्ट्रेटजी को भी छोड़ दें, आप प्लानिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद प्लानिंग जब आपने कर ली, सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्लानिंग ही होती है। जब आपने प्लानिंग कर ली तो आप किस में चले गए, आप इम्प्लीमेंटेशन वाली फेज़ में चले गए। अब आपने प्लान किया हुआ है, आपने जस्ट इम्प्लीमेंट करना है। प्लानिंग सबसे मुश्किल काम होता है बाय द वे, इम्प्लीमेंटेशन अगर प्लान किया हुआ हो तो इम्प्लीमेंटेशन ईजी रह जाती है एज सच। उसके बाद आप देखें जी एंड कंट्रोल ऑफ ब्रांडिंग एक्टिविटीज़, एंड कंट्रोल ऑफ ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ टू इंश्योर डैट अ ब्रांड इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स। अब ये इसी तरह से हो गया कि लाइक आप इसमें करें कि अगर हम इसको देखें तो लाइक इसी तरह से हो गया कि आपने प्लानिंग की, उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन की, उसके बाद आपने ब्रांडिंग का कंट्रोल यानी कि एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में जिसको हम एनालिसिस बोलते हैं, प्लानिंग करके इम्प्लीमेंटेशन करके आप उस काम को छोड़ तो नहीं सकते ना, कि आप ये ना हो कि आप उसका लाइक उसका बैकअप ही कोई ना हो, आप उसको देख ही नहीं रहे, आप उसको एक कह दें कि आपने आश्रय पे छोड़ दिया है कि काम होगा तो हाँ ठीक है मैंने प्लानिंग कर ली, मैंने इम्प्लीमेंटेशन कर ली, अभी काम हो जाएगा। नहीं, आपको साथ साथ चेक इन बैलेंस रखना पड़ता है हर प्रोडक्ट के लिए, हर काम के लिए। इवन कि अगर आप अपने डेली रूटीन का वर्क भी करें ना तो उसके लिए भी आपको चेक इन बैलेंस रखना पड़ता है। आप चेक इन बैलेंस के बगैर अपना काम सक्सेसफुल नहीं कर सकते। ठीक है, आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद की फेज है, आपकी एनालिसिस की फेज है, उसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको चेंज करनी पड़ती हैं, बहुत मुश्किलात ऐसी होती हैं जिनका आपको सोल्यूशन सोचना पड़ता है, जिन पर आपको जो है वो काम वर्किंग करनी पड़ती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ब्रांड को इस तरह से ही लाइक मैनेज नहीं कर सकते। यहाँ आपने ब्रांड बनाया, ब्रांड बना के आपने छोड़ दिया और आपने लोगों को कहा कि आप इसको देखें, आप इसको संभालें। हाँ, आप उसके मोस्ट जो कह लें आपके एक ही जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं उस काम में, आप उनको हायर कर सकते हैं, आप वो काम करें और एंड ऑल आप देखें, आप सीखें, आप चेक एंड बैलेंस होता रहे साथ साथ, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन जो एक है कि आप बिल्कुल छोड़ दें उस काम को करके, तो इस तरह से ब्रांड कभी भी एक मैनेज नहीं हो सकता। आप देखें लाइक आप नेस्ले की आप प्रोडक्ट लाइन देखें, नेस्ले की ब्रांड लाइन देखें, इट इज़ अ वेरी वाइड स्पैन। ठीक है, वो एक उनका बहुत ह्यूज लेवल पे है, वो एक मल्टीनेशनल बल्कि ग्लोबल कंपनी है। ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग लाइक बहुत से कंट्रीज़ में हो रही है, उनकी सेलिंग बहुत से कंट्रीज़ में हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे उन्होंने किस तरह से अपना एक लाइक इस तरह तो नहीं हुआ कि एक आप कहें कि एक इमारत की आप एक रात को ईंट लगाएं और सुबह को वो सारी इमारत तैयार हो जाए। उस पर मेहनत करनी पड़ती है, उस पर काम करना पड़ता है, उस पर वर्किंग करनी पड़ती है, उसको टाइम देना पड़ता है। तो ये अगर आप देखेंगे ये ब्रांड्स जो हैं ग्लोबली बन चुके हैं तो ये इसी तरह नहीं बन चुके, इनके पीछे बहुत बहुत से सालों की मेहनत है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसके अलावा बहुत से कैपिटल की, लेबर की एंड ऑल हर चीज़ जो है, इनोवेशन प्लानिंग ओवरऑल हर चीज़ में ये लोग इंगेज हैं, जिसकी वजह से आज ये लोग जो है वो ग्लोबली काम कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें जी कह हम क्या कह रहे हैं, डेट अ ब्रांड इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स वैल्यू प्रोपोजिशन एंड रेजोनेट्स विद इट्स टारगेट ऑडियंस। This includes activities such as, हम देखते हैं जी ब्रांड क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है, यह करता है ब्रांड आइडेंटिटी, डिफाइनिंग द ब्रांड्स कोर्स वैल्यूज़, पर्सनैलिटी, पोजिशनिंग इन द मार्केट। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको ये बेसिकली हम बता रहे हैं कि हम ब्रांड को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी इमेज किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी लोगों को याद करवानी पड़ेगी, आपको अपनी ब्रांड्स की कोर वैल्यूज़ हैं जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी पोजीशन है मार्केट में, आपको उसको लोगों को याद करवाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप अगर देखें ना फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल दी,
इसी तरह से बहुत लाइक कारफोर भी है ना, तो उसका भी एक स्पेसिफिक लोगो है, इम्तियाज है तो उसका एक स्पेसिफिक लोगो है, दराज है तो उसका एक स्पेसिफिक लोगो है, अमेजोन है तो उसका एक स्पेसिफिक लोगो है। इस तरह लोगों के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो वो लोग जो है ये याद रखें कि सुनने से ज़्यादा चीज़ देखी हुई असर रखती है, ठीक है। आपने अगर एक दफ़ा देख लिया, आपकी नज़र से एक चीज़ गुजर गई, तो जब दोबारा आपकी नज़रों के सामने वो आएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने पहले देखी है और ये किससे लिंक करती है, वो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आप देखें जी ब्रांड डिज़ाइन, यही जो अब हम बात कर रहे थे कि आप एक विजुअल एलिमेंट, जो मैं आपको कह रही थी कि देखना जो है वो सुनने से ज़्यादा असर रखता है, विजुअल एलिमेंट जो लोगोज हैं, कलर्स, हाँ कलर्स जो है वो बेसिकली आपकी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आप अगर देखें ना लाइक बहुत से ब्रांड्स इस तरह के हैं जिनका ना लोगो में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन क्या है कि उनका कलर, उनकी कलर इस तरह से सिमिलर हैं कि वो कलर कॉपी नहीं किए जा सकते। ऑब्वियसली कॉपी राइट और पैटेंट राइट वगैरह की वजह से आप नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर देखें तो वो बहुत बहुत खूबसूरत लाइक लग रहे होते हैं और आप उनको देख के ये सोच रहे होते हैं ये कलर उसका है, ये कलर उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये कलर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन आप अपने फ्लैग्स में देखें, जो आपके कंट्री फ्लैग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का है तो वो दो कलर्स हैं, आप वो दो कलर्स देखते हैं तो आपको याद होता है कि ये पाकिस्तानी फ्लैग है, इसमें दो कलर हैं। इसी तरह इंडियन है, इंडियन फ्लैग है, उसमें आप थ्री कलर्स देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इंडियन फ्लैग है। इसी तरह से बहुत से कंट्रीज़ के फ्लैग हैं, वो ये होती है कि आपकी कलर्स जो हैं वो भी आप पे एक नक्श छोड़ते हैं आपके माइंड में, और वो आप कहीं भी आप उसको दोबारा देखते हैं तो आपके माइंड में आ जाती हैं चीज़ें। टाइपोग्राफीज़ होती हैं, उसके बाद पैकेजिंग, पैकेजिंग जो है वो बहुत कमाल का ज़रिया है। आप अगर देखें ना कोको कोला की, या आप फॉर एग्जांपल हम कोको कोला की ही बात करें तो कोको कोला की ना एक स्पेशल पैकेजिंग है। अगर उस कोको कोला की बोतल में उस बॉटल के अंदर अगर कोई और भी लाइक ड्रिंक होगी ना, तो आप उसको देखते ही, उसकी पैकेजिंग देखते ही समझ जाएंगे ये कोको कोला की बॉटल है, ये कोको कोला। इसी तरह नेस्ले जो है उनकी बॉटल की एक स्पेसिफिक जो है वो शेप है और स्पेसिफिक लोगो आईडी है उनकी, कि आप देख के ही बॉटल समझ जाते हैं कि नेस्ले की बॉटल है। इसी तरह से बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, बहुत से ब्रांड्स हैं, शैम्पूज़ में हैं, आप सोप में देखें लक्स का जो है वो एक स्पेसिफिक शेप बनी हुई है सोप की, आप उसको देखते हैं आप देखते समझ जाते हैं लक्स की सॉप है। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें जो आपके ब्रांड की एक रिकॉग्निशन बनाती हैं मार्केट में, आपके लोगों के, आपके कंज्यूमर के माइंड में। उसके बाद आप देखेंगे ब्रांड कम्युनिकेशन, क्रिएटिंग एंड डिसमिनेटिंग ब्रांड मैसेज थ्रू वेरियस चैनल सच एज एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया एंड इवेंट्स टू बिल्ड अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। अब इसका जो है ना वो स्पेसिफिक मैं अगर आपको एक मोस्ट जो है वो रिलेटेबल एग्जाम्पल दूँ तो पाकिस्तान में जैसे रिसेंटली PSL चल रहा था, आपने उस PSL में देखा कि सबसे पहले क्या आता है, उस जब PSL स्टार्ट होता है सबसे पहले HPL देन PSL। अब HPL जो है उसने इन्वेस्ट किया है, उसने अपना ब्रांड जो है वो कम्युनिकेट किया है आपके साथ, कम्युनिकेशन के लिए उसने खर्च किया है कि वो ताकि किस लिए कि वो अपने ब्रांड का जो है वो आपको पब्लिक रिलेशन बना सके मार्केट में, माशरे में, आपकी सोशल वैल्यूज़ जो हैं उनके साथ और सोशल मीडिया पे इवेंट जो हैं, बेसिकली बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जी ब्रांड एक्सपीरियंस, इंश्योरिंग दैट एवरी इंटरेक्शन विद द ब्रांड वेदर थ्रू प्रोडक्ट सर्विस, कस्टमर सर्विस और मार्केटिंग कम्युनिकेशन डिलीवर्स अ कंसिस्टेंट एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंस दैट अलाइंस विद द ब्रांड्स प्रॉमिस। ब्रांड के एक्सपीरियंस इस तरह के होते हैं, बाज़ औक़ात आपकी इंटरेक्शन ब्रांड के साथ होती है, लाइक आप डायरेक्ट चले गए, आपने डायरेक्ट ब्रांड के साथ कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी दी उन्होंने, मार्केट में आपने कम्युनिकेट किया, आपने पोजिशन एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपका रहा, तो भी आप जो है वो ब्रांड के साथ बहुत लॉयल हो जाते हैं, आप उस ब्रांड को छोड़ना नहीं चाहते। उसके बाद ब्रांड मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस में देखें जी, ट्रैकिंग ब्रांड परफॉर्मेंस, मेजरिंग ब्रांड इक्विटी एंड गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर टू कंसिस्टेंटली टू कंटिन्यूसली रिफाइन एंड इम्प्रूव द ब्रांड स्ट्रेटजी। ब्रांड जो है वो बेसिकली मॉनिटरिंग और एनालिसिस के बगैर जो है वो कोई भी काम बेसिकली पॉसिबल नहीं होता, तो इसी तरह से ब्रांड जो है उन्होंने भी इसी तरह से सेट किया हुआ है, आपको परफॉर्मेंस से अपनी करते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, आपको फीडबैक लेते हैं, कंटिन्यूसली जो है ना वो आपके साथ रबते में रहते हैं, तो उससे भी आप उनका ब्रांड जो है वो बेसिकली आपको माइंड में हो जाता है। ओके जी व्यूअर्स,
थैंक यू वेरी मच. ये थी हमारी आज की वीडियो. होप आई होप सो यू आर लाइक माई वीडियो एंड लर्न समथिंग. बेसिकली हमारा मकसद यही होता है कि आप कुछ ना कुछ सीख सकें, हम आपको सिखा सकें. ये जैसा कि आपको भी पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपकी तरफ से सब्सक्राइब करना, आपकी तरफ से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कमेंट में अच्छे से क्वेश्चंस भी पूछना आपकी तरफ से हमारे लिए अप्रिसिएशन होती है. सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड टिल जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती. थैंक यू वेरी मच.